कामुकता बहुत जबरदस्त टूट जाए, इसे अंदर रखें, खुद को पकाएं। उस ऊर्जा को मारने की कोशिश मत करें, उसे सही दिशा में लगा दें। आपको अगले आयाम में फट पड़ना होगा। ये एक बड़ा अंतर है जो आप पूर्व और पश्चिम के बीच जीवन की समझ के बारे में देखते हैं। पश्चिम में हमेशा निकाल देने या हल्के हो जाने की बात की जाती है। आपको हर चीज को निकाल देना चाहिए। आपकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों को आपको किसी पर या किसी चीज में निकाल देना चाहिए। लेकिन जीवन का पूर्वी तरीका हमेशा कहता है, निकालो मत। चाहे वो आपका गुस्सा हो या आपकी घृणा हो या आपकी कामुकता या जो भी हो, उसे अंदर रखिए, खुद को पकाइए। अगर आप उसे निकलने नहीं देते तो वो बहुत बढ़ जाएगा। ये योग है, उसे कहीं भी निकलने मत दीजिए। सारे छेद बंद कर दीजिए। अगर आप सारे छेद बंद कर देते हैं तो वो सिर्फ बढ़ेगा। तो ये तंत्र का तरीका है। यहीं पर ये विचारधाराएं दूसरे तरीकों से बिल्कुल विपरीत हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप चाहे जो कर रहे हो, चाहे आप में गुस्सा या कामुकता या घृणा आती है, वो जबरदस्त ऊर्जाएं हैं, है ना? गुस्सा जबरदस्त ऊर्जा है ना? घृणा जबरदस्त ऊर्जा है, कामुकता जबरदस्त ऊर्जा है। आपको बस इतना सीखना है कि ऊर्जा को मारना नहीं है, ऊर्जा को निकालना नहीं है, ऊर्जा को बस थोड़ा सा रूपांतरित करना है। जो आदमी गुस्सा करने में असमर्थ है, वो निश्चित रूप से प्रेम के लिए भी असमर्थ होगा। वो निश्चित रूप से कोई विशाल करुणा रखने में असमर्थ होगा। अगर गुस्से, कामुकता या घृणा के रूप में ऊर्जा फट रही है तो उस ऊर्जा को मारने की कोशिश मत कीजिए। आपको बस इतना करना है कि उसे रूपांतरित कर दें, उसे सही दिशा में भेज दें। क्योंकि आप जो हैं वो ऊर्जा है ना? जिसे आप जीवन ऊर्जा कहते हैं वो ऊर्जा ही है। जिसे आप ईश्वर कह रहे हैं वो भी ऊर्जा ही है। आपको इतना ही करना है कि बस उसके लिए सही किस्म का रास्ता ढूंढना है। आप पर्याप्त ऊर्जा जमा कर लेते हैं जहां वो इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो आपके जीवन के लिए खतरा पैदा कर देती है। आपके अंदर वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो आपके जीवन के लिए ही खतरा बन जाती है। जब तक ऊर्जा उतनी शक्तिशाली ना हो, वो कहीं नहीं पहुंचेगी, वो आपको दूर तक नहीं ले जाएगी। मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे दौर से गुजर चुके हैं, और जब ये बहुत बढ़ जाती है तो आप निकालने की कोशिश में रहते हैं। आपके अंदर कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि उसे आप और ज्यादा सहन नहीं कर सकते, तब आप जाकर निकाल देने की सोचते हैं। आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, आप टेलीविजन चलाना चाहते हैं, या आप खुद का ध्यान बटाना चाहते हैं, आप उसे किसी कारण से कुछ दिन के लिए अभ्यास को रोक देना चाहते हैं। आप ये चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि यह हल्का होना है, आपको खुद के लिए एक रिलीज मिल जाता है, इससे अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह से हल्के होते रहते हैं तो आपके पास अगले आयाम में फट पड़ने की जरूरी ऊर्जा कभी भी नहीं होगी। आप अगले आयाम में नहीं जाने वाले, आपको अगले आयाम में फट पड़ना होगा। तो अगर आप फटना चाहते हैं तो पहली चीज है कि आपको फटने की सीमा तक फूलते जाना है। जब आप पर्याप्त फूल जाते हैं तो आपको चुभो कर फोड़ देंगे। तो जो अभ्यास आप कर रहे हैं, जिन सारे तरीकों को हमने इस्तेमाल किया है, वो मुख्यतया ऊर्जा के स्तर को इस तरह बढ़ाना है कि वो धीरे धीरे अपना रास्ता खोज लेती है। अगर आप उसे अपना रास्ता स्वाभाविक रूप से खोजने देते हैं तो इसमें बहुत समय लग सकता है, और चूंकि आपको पता नहीं होगा कि उसका रिसाव कहां से हो रहा है, आपको कभी मालूम नहीं होगा कि वो कहीं जा रही है या कहीं नहीं जा रही है, तो उसे दिशा दिखाने के लिए हमेशा मार्गदर्शन मौजूद रहता है। तो आपका काम बस अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। वो कहां जाती है उसकी चिंता आप मत करें। एक बार जब आपके जीवन में गुरु मौजूद होते हैं तो वो ये ख्याल रखेंगे कि उसे कहां जाना चाहिए, लेकिन आपका काम उसे ऊंचा उठाना है। अगर आप पर्याप्त ऊर्जा नहीं भरते तब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।